स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो काफी लंबे समय से लाखों करोड़ों दर्शकों का एंटरटेनमेंट करते नजर आ रहा है, जिसमें मुख्य अभिनेत्री के तौर पर नायरा का किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने अपने शानदार अभिनय प्रदर्शन से लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया है। साथ ही इन्होंने ऐसे कई और सुपरहिट सीरियल्स में शानदार अभिनय प्रदर्शन करके टीवी में एक सफल अभिनेत्री के तौर पर अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज टीवी की मशहूर अदाकारा बन चुकी शिवांगी जोशी शुरुआत में ही एक एक्ट्रेस बनने से पहले किसी और ही फील्ड में अपना प्रोफेशन बनाना चाहती थी। तो इसीलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आखिरकार शिवांगी जोशी आज एक्ट्रेस ना होती तो कौन सी फील्ड में होती। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और साथ ही अपनी फेवरेट अदाकारा यानी कि शिवांगी जोशी के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में कार्तिक की वाइफ नायरा का जबरदस्त किरदार निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री शिवांगी जोशी, जो आज अपने बेहतरीन अभिनय प्रदर्शन के चलते ही टीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम बन चुकी हैं और साथ ही टीवी इंडस्ट्री पर राज कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि टीवी इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा बन चुकी शिवांगी जोशी एक्ट्रेस बनने से पहले किसी और ही फील्ड को अपना प्रोफेशन चुन चुकी थी, इसीलिए ये आज एक्ट्रेस ना होती तो उसी फील्ड में काम कर रही होती, और वो फील्ड है यूपीएससी का। जी हाँ, आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आज अगर एक एक्ट्रेस ना होती और सिविल लाइन में होती तो आम जनता की परेशानियों का निवारण कर रही होती। ऐसा हम नहीं कह रही हैं, बल्कि इन्होंने एक बार खुद ही अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया था। जब इनसे ये पूछा गया कि आप एक एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती, तब इन्होंने खुद ही बताया था कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनकर आम लोगों की सेवा करती। हालांकि मैंने इस फील्ड में जाने के लिए पढ़ाई करनी भी शुरू की थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आम लोगों की सेवा नहीं बल्कि एक्टिंग की दुनिया की मशहूर अदाकारा बन जाऊंगी। क्योंकि पढ़ाई करने के दौरान मुझे सीरियल ऑडिशंस के बारे में पता चला था, तब मेरा ऑडिशन देने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन आईपीएस बनना मेरा मन था। लेकिन फैमिली वालों ने कहा कि ऑडिशंस हो रही हैं, एक बार ट्राई तो कर लो, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मैं एक्टिंग के ऑडिशंस में सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगी, जिसके चलते मैंने ऑडिशन तो दे दिया, जिसके बाद जो मेरे साथ हुआ मैं हैरान रह गई, क्योंकि सीरियल के डायरेक्टर ने मुझे ही सेलेक्ट किया था, जिसके बाद एक बार फिर से फैमिली वालों के कहने पर ही मैंने एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रख लिया, जहाँ मैंने पहले अपने शो खेलती है जिंदगी आँख मिचोली में निशा का किरदार निभाया था, और मेरे इस किरदार को लाखों लोगों ने खूब पसंद किया था, जिसके चलते मुझे कई और सीरियल्स में भी काम करने का ऑफर मिलता रहा। मैं इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाती रही, और इसी तरह ये आज अपनी कड़ी मेहनत से टीवी के जाना माना नाम बन चुकी हैं। और लेकिन अफसोस है कि इनका आईपीएस बनने का ये ख्वाब तो अधूरा ही रह गया, लेकिन इसमें तो कोई भी दोराय नहीं है कि आज अगर ये एक एक्ट्रेस ना होती तो आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा तो जरूर कर रही होती। तो दोस्तों, अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने एक्टिंग की दुनिया को चुनकर सही किया या गलत, आप हमें अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और साथ ही ऐसे ही और मजेदार खबरों को जानने के लिए और उन्हें देखने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।